एक ऐसे स्थान पर जहां अथाह पानी है, जिसको थाहा नहीं जा सकता। यहां बड़ी बड़ी नावें आने से कतराती हैं, लोग नहीं आते। इस स्थान को चिन्हित किया गया है। हम इस समय चोचकपुर, यह चोचकपुर पंप कैनाल है, इसलिए यहां इसको स्थापित किया गया है कि पानी बहुत है। बरसात में बहुत तेजी से पानी यहाँ घूमता है, बाढ़ के समय में। हाँ सर, हमारे बीच अशोक चौधरी हैं, जिनके खेत में गंगा में हम लोग रात को रेते में रुके हुए थे, अब हम लोग वापस आ रहे हैं। अशोक जी, कितना पानी होगा यहाँ? यहाँ पर कम से कम 100 फुट होगा। बहुत होगा पानी? हाँ सर। मतलब उससे बांस की जो बांस की तो ऐसा ऐसा बांस दो चार लगा के कभी नहीं था पड़ेगा, कभी नहीं। हाँ सर, यहाँ नावे डूब जाती है? नावे डूब जाती है। अच्छा। हाँ सर। मतलब कैसे घुमा करके? यहाँ से पानी उधर से बाहर से आता है, फिर ऐसे घुमा करके लपेटता है सर। अच्छा। हाँ। तो हम लोग उसी स्थान पर हैं जहाँ। हाँ सर। देखिए, वैसे तो किनारा है, बगल में गाजीपुर है, उस पार चंदौली है, और इधर यह नाव, यह मछली कैसे मारते हैं इसमें से? कैसे इसमें जाल बांध कर के किनारे? नहीं, जो आप देख रहे हैं यह उस तरह से तैर करके चल रहा है। हाँ, इसमें क्या है, जाल बांधे हैं? इसमें नहीं बांधा हुआ है। हाँ। इसमें ऐसे बांधे कि इसी में जाल बांध कर किनारे ऐसे ऐसे करेंगे सर, तो इसका जाल जो ऊपर रहेगा तो मछली जो ऊपर आती है सर, वही फंसती है सर, फंस जाती है। हाँ सर। तो कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी फंस जाती हैं? कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाती हैं। अच्छा, स्विस भी मिलते हैं क्या? हाँ, स्विस आपको दिखाइए, इधर देंगे सर, बता दिखा देंगे। स्विस माने डॉल्फिन? हाँ सर, संभवतः उन्हें ही डॉल्फिन कहा जाता है। इस स्थान पर जहाँ काफी गहराई है। हाँ। अच्छा अशोक भाई, कितना वजन होता होगा उनका स्विस का सर? हाँ, उसका ज्यादा 3-3.5 क्विंटल तक होते हैं। इतना तक हो जाता है? हाँ सर। तो कभी कभी जाल में वो भी फंस जाते हैं? कभी कभी वो भी फंस जाते हैं सर। तो उनको भी फिर? हाँ सर, उनको भी कोई ले जाता है ना, तो कोई तेल निकालने के लिए उनको काट करके रखते हैं लोग। अच्छा। हाँ सर। और खा जाते हैं लोग? हाँ, कुछ लोग खाते भी हैं। अच्छा, ऐसे नहीं पकड़ में आती कभी कभी? ऐसे नहीं, बाई चांस कभी जाल में जाकर के सूंड उनका दांत होता है बड़ा बड़ा, वो फंस जाता है। अच्छा, देखिए वो प्रतिबंधित प्रजाति है, उनका शिकार नहीं किया जा सकता, और डॉल्फिन के लिए सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है उन्हें बचाया जाए, तो उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है। गंगा का पानी कुछ अच्छा हुआ है पहले से, हमने इसे दिखाया भी और आप तो देख सकते हैं, ये किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं, कुछ मछली के बच्चे भी दिखेंगे इधर। देखिए, कटिया लगाते हैं इसे, नहीं? हाँ, यही कटिया होता है ना? हाँ, कटिया लगाना बोलते भी हैं कि भैया कटिया लगा रहे हैं फला, मतलब इसको बोलचाल की भाषा में भी ऐसे करते हैं। ये भी बहुत गहरा पानी है सर। अच्छा। हाँ, बहुत गहरा। कहाँ? ये सब बहुत गहराई में आता है सर। अच्छा। हाँ, लगाओ एक बार बांस इधर इधर दम के दादा। किनारे इतना गहरा है जी सर, देखिए कटान से ही पता चलता है। ये तो और बाहर आकर इसमें बाहर करा हमने, और आगे आगे हल्का सा आगे अगर बाबू इधर ला। ये सब किनारा टूट रहा है। हाँ, ये यहाँ से गंगा का घुमान है, जमीन झाट गई है सर इसे, और इधर करा बोले और तो हल्का सा बाहर कर। अब भरकुंडी माने भरत कुंड जी, यहाँ कोई इतिहास यहाँ से रामायण काल का कोई जुड़ा हुआ है, तो बाद में उसका अपभ्रंश हो गया भरकुंडी या भरत कुंड। यहाँ काफी गहरा है ना? हाँ, यहाँ काफी गहरा है बहुत। फुल थोड़ा सा अरे पता नहीं लगा, कुछ नहीं पता। देखिए मैं दिखा रहा हूँ प्रफुल्ल एक बार इधर। हाँ, बस थोड़ा सा देखिए, ये लाठी कहीं अता पता नहीं है और बहुत खिंचाव भी है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जबकि किनारा है लेकिन काफी गहरा है, बाढ़ के समय से भी बड़ा है। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है, बताइए। यहाँ बाद में सीधे सीधे चला जाएगा सर, पता ही नहीं लगेगा। ये है भैया हम अशोक चौधरी जी के साथ, और एक अब हम आपको चौंकाने वाली बात बताएंगे। अशोक जी, जब आप लोगों ने निकाला था, कितने लोग डूब गए थे पानी में? उसमें 12 लोग थे सर। हाँ, 11 लोग तो अंदर चले गए थे, पर डूबे थे सर। अच्छा। एक मर गए सर। तो अशोक के लड़के सूरज थे और अशोक थे। हाँ, हमसे विशाल भी थे। विशाल भी थे, विशाल नाव चला रहे हैं, एक बार विशाल को दिखा देते हैं। देखिए विशाल नाव खे रहे हैं,
पतवार है कि चप्पू है, क्या बोलते हैं? चप्पू करवारी है सर। चप्पू करवारी है। तो उस समय आर पार का सहरा मारा गया था, लोग जा रहे थे उसी बीच नाव दूसरे की नाव थी डूब गई, आप लोग दूर थे उसको देखे, दौड़ करके पहुंचे, तब तक लोग भीतर चले गए थे, बारी बारी निकाला। जी सर। सूरज ने बैलेंस किया नाव को और आप निकालते गए और नाव में डालते गए। एक को नहीं बचा पाए, एक को माद्री को सर नहीं। यहाँ के जिलाधिकारी ने, थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने लिखा, लेकिन अशोक को कौन सम्मानित करेगा? अशोक का कोई जुगाड़ तो है नहीं। मैं दिखाऊंगा, प्रमुख सचिव को लिखा है डीएम ने, लेकिन सब बेशर्मी की पराकाष्ठा है, वह पत्र भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों प्रफुल्ल भी आ गए हैं, अभी रात को नहीं रुकना हुआ, रात को हम और उमेश जी रुके थे, प्रफुल्ल आ गए हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अशोक जी के घर के पास। या पतित पावनी प्राणदायिनी गंगा है, जो आज लॉकडाउन की वजह से कुछ निर्मल हुई है, काफ़ी हद तक इनके स्तर में सुधार आया है, पानी भी कुछ अच्छा हुआ है। इसके मूल में यह है कि तमाम मिल फैक्ट्रियां बंद हो गई। अशोक जी नाले तो ऐसे ही गिर रहे हैं? गिर रहे हैं सर, वैसे ही गिर रहे हैं, कचरा सब। हाँ वैसे ही गिर रहे हैं सर। अच्छा अभी लोग किनारे शौच के लिए भी जाते हैं? हाँ अभी भी जाते हैं सर, बाकी लेकर के जाते। हाँ उधर देखिए सर, अब तो अब लेट हो गया ना सर, आपको बहुत लोग लाइन लगी रहती है। जी सर। क्यों शौचालय नहीं बना है? शौचालय बना, बेकार बना हुआ है सर। अच्छा, उसमें शौचालय भी बेकार है और लोगों की आदत भी। अभी तक तो कोई शौचालय में दरवाजा भी नहीं लगा, उसी तरह पड़ा हुआ है सर। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।